सबसे पहले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मैच के लिए टीम के इंतखाब में किस चीज को अहमियत दी जाएगी, मिसबाउल हक का ऐलान, साबिक क्रिकेटर भी खुशी से निहाल हो गए। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हस्ब रिवायत में अब तमाम दोस्तों से बस एक ही दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक अब्दुल्ला स्पोर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन फौरन आपको मिलती रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के नौ मुंतखब चीफ सेलेक्टर और हेड कोच मिसबाउल हक ने कहा है कि मैच के लिए फाइनल 11 के इंतखाब में कप्तान को अहमियत देनी चाहिए और अब ऐसा ही होगा। तफसीलात के मुताबिक लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए मिसबाउल हक ने कहा है कि मैं जब कप्तान था तो फाइनल 11 के इंतखाब के लिए अथॉरिटी कप्तान को दी जाती थी और इस हवाले से कप्तान को अहमियत देनी भी चाहिए। चीफ सेलेक्टर और कोच होने के नाते आप अपना मौकिफ जरूर देते हैं लेकिन कप्तान ने ग्राउंड में अमली तौर पर काम करना होता है, इसलिए उसे वो खिलाड़ी देने चाहिए जिन पर उसे एतमाद हो। मिसबाउल हक का कहना है कि आप बैठते हैं, बहस करते हो और कॉम्बिनेशन पर मुख्तलिफ राय सामने आती है और इस दौरान किसी के दलायल मान लिए जाते हैं या अपने दलायल मनवा लिए जाते हैं। मेरे ख्याल से कोच और कप्तान में जितनी मर्जी अंडरस्टैंडिंग हो लेकिन किसी न किसी मकाम पर राय में इख्तलाफ राय होता है, मगर फाइनल 11 के इंतखाब में कप्तान को अहमियत देनी चाहिए और ऐसा ही होगा। तो दोस्तों मिसबाउल हक के हवाले से कुछ अपडेट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे, बुरी लगी हो तो डिसलाइक करे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबाइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।